खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां दूषित जलापूर्ति को लेकर नोहर विकास मंच के बैनर तले शहर के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी नोहर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नोहर शहर में लंबे समय से जलदाय विभाग नोहर द्वारा दूषित व बदबूदार जलापूर्ति की जा रही, लोगों द्वारा बार बार ज्ञापन, धरना प्रदर्शन आदि के माध्यम से विभागीय अधिकारियों को इस आशय की शिकायत से अवगत करवाया है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। नागरिकों का कहना है कि दूषित जल के प्रयोग से शहर में पेट दर्द व जोड़ों के दर्द की समस्या आम बात हो गई है। जलदाय विभाग की डिग्गियों में बेशुमार गंदगी पड़ी है, साथ ही डिग्गियों में बेशुमार मात्रा में काई की परत जमी हुई है। नोहर विकास मंच ने 7 दिनों में व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर धरना व प्रदर्शन की चेतावनी दी। SDM सत्यनारायण शुथार ने मौके पर ही विभागीय अधिकारी से दूरभाष पर बात कर तुरंत व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। आज नोहर के अंदर जलदाय विभाग की अक्रमणता के कारण जो स्थिति हमारे नोहर के अंदर पैदा हुई है कि नोहर के आम आदमी को एक दूषित पानी पीना पड़ रहा है, उसके विरोध के अंदर आज सभी नोहर के गणमान्य नागरिकों ने नोहर विकास मंच के माध्यम से माननीय SDM साहब को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन के अंदर हमने ये पुरजोर मांग की कि जल्दी से जल्दी इस पानी की व्यवस्था को सुधारा जाए और 7 दिन का टाइम भी दिया, अगर 7 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरती तो उसके बाद हम कोई दोबारा कोई नया एक्शन लेंगे उस जिसके अंदर धरना वगैरह या कोई और जोरदार प्रदर्शन नोहर के अंदर करेंगे। क्या आश्वासन दिए है SDM साहब ने? SDM साहब ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी जो हमारे कार्यकर्ता थे उनकी बात सुनी और उन्होंने मौके पर ही एक्शन वाटरवर्क से फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने निर्देशित किया कि आप जल्दी से जल्दी ये काई जो इसमें जमी इसको साफ़ करें और नोहर शहर के अंदर जल्दी से जल्दी सही पानी की व्यवस्था करने का प्रयत्न करें।